आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। विजेताओं पर रुपयों की बरसात, खेल मंत्री ने की नगद पुरस्कार की घोषणा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए मंगलवार को नगद पुरस्कार की घोषणा की। इसमें स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक विजेताओं को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। तीरंदाज शीतल देवी की तरह मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 लाख रुपए मिलेंगे। पेरिस में हाल ही में संपन्न हुए पैरालंपिक खेलों में 29 पदक जीतने वाले भारत के पैरालंपिक पदक विजेताओं का मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों समर्थकों ने फूलमालाओं और मिठाइयों के साथ जोरदार स्वागत किया। सुबह जब खिलाड़ी हाईवे अड्डे से बाहर निकले तो ढोल की थाप और जयघोष के साथ उनका स्वागत किया गया। समर्थक, खेल प्रशासक और परिवार के लोग खिलाड़ियों का स्वागत करने पहुंचे। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने कहा कि इस भव्य स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आप अपने आप ही आत्मविश्वास महसूस करते हैं। मैंने कुछ दिनों से चाय नहीं पी है, मैं अपने परिवार के साथ चाय पीना चाहूंगा। समर्थकों ने हरविंदर और साथी तीरंदाज शीतल देवी पर फूल की वर्षा की। तीरंदाज हरविंदर सिंह स्वागत से अभिभूत थे। भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप को उनके समर्थकों ने उठाया और उनके साथ जश्न मनाया। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में ऐतिहासिक अभियान का समापन 29 पदकों के साथ किया, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं, जो प्रतियोगिता के इतिहास में देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए मंगलवार को नगद पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक विजेताओं को 50 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। तीरंदाज शीतल देवी की तरह मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 लाख रुपए मिलेंगे। मांडविया ने 2028 लॉस एंजेल्स पैरालंपिक में अधिक पदक जीतने के लिए पैरा खिलाड़ियों को पूर्ण समर्थन और सुविधाएं देने का भी वादा किया।